3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और सरदार बलदेव सिंह ने पार्टीशन प्लान पर ऑल इंडिया रेडियो से अपने अपने बयानात नशर किए और तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के क़याम का बाकायदा ऐलान किया गया। तो उस ज़माने में दुनिया में बेशुमार मुसलमान मुल्क पहले से मौजूद थे, तो एक नए मुसलमान मुल्क बनाने का मकसद क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, 1857 की जंग आज़ादी की तकमील की तरफ एक मस्बत कदम, पाकिस्तान का मतलब क्या, सर सैयद अहमद खान की तहरीके अलीगढ़ का तदरीजी और मंतकी इर्तका, पाकिस्तान का मतलब क्या, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, दीनी समाजी मुआशी तमदनी और सियासी बुनियादों पर मुसलमानों का एक अलग कौम की सूरत में उभरता हुआ तशखुस, हिंदू गौ रक्षा, मुसलमान का जबीहा, हिंदू की चुटिया, मुसलमान का खतना, हिंदू के मंदिर का नाकूस, मुसलमान की मस्जिद की अजां, हिंदू की छूतछात, मुसलमान की अखुवत और मसावात, इन इख्तलाफात की वजह से मुस्तकिल और मुसलसल खूनरेज तसादुम और फसादात, पाकिस्तान का मतलब क्या, कौमियत की अजारादारी पर हिंदुओं की जिद और हट धर्मी, पाकिस्तान का मतलब क्या, आज़ाद और मुतहदा हिंदुस्तान पर बिला शिरकत गैरे हुक्मरानी करने का कांग्रेसी जुनून, पाकिस्तान का मतलब क्या, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से जमहूरी हकूक देने से इनकार, पाकिस्तान का मतलब क्या, आज़ाद और मुतहदा हिंदुस्तान की हकूमत में मुसलमानों को कोई मौसर किरदार देने के खिलाफ हिंदू सरमायादारों की ज़बरदस्त मुखालफत और मुजाहमत, पाकिस्तान का मतलब क्या, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को भारत माता के पवित्र बदन पर गंदे नासूर समझकर उन्हें काट कर अलग कर देने का शुद्ध कांग्रेसी ऑपरेशन, पाकिस्तान का मतलब क्या, भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल रखने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस की सौदेबाजी, इक्तदार को 15 महीने की बजाय 2 माह में मुंतकिल करने की साजिश ताकि पाकिस्तान की नौजायदा मुमलिकत को वजूद में आते ही हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े, पाकिस्तान का मतलब क्या, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनाने की साजिश ताकि शुरू ही से इस नई मुमलिकत को भारत की हाशिया नशीनी की आदत डाल दी जाए और इसकी पॉलिसियां भारत की पॉलिसियों के हमरंग और ताबे हों, पाकिस्तान का मतलब क्या, ट्रंकेटेड पाकिस्तान की पेशकश के मुकाबले में डिमिशन प्लान की बरहना शमशीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, कांग्रेस का अज़्म कि तकसीम हिंद एक आर्जी अमल है, भारत एक है और एक होकर रहेगा, कोई इंसानी ताकत इस हकीकत को नहीं बदल सकती, पाकिस्तान का मतलब क्या, हिंदू महासभा का ऐलान कि भारत नाकाबले तकसीम है, अलग होने वाले इलाकों को हर कीमत पर दोबारा भारत में शामिल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, हिंदुओं की जारियत और अंग्रेजों की मुनाफकत के गठजोड़ के मुकाबले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेलौस बेलाग बेबल बेखौफ ईमानदाराना और मुदब्बराना क़यादत, पाकिस्तान का मतलब क्या, मुसलमानों का कायदे आज़म की रहनुमाई पर मुकम्मल एतमाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, तहरीके पाकिस्तान के दौरान मुसलमान कौम का इत्तेहाद ईमान और तंजीम। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मतलब क्या, आज हम सियालकोट के असगर सौदाई का ये मरूफ मिसरा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुतमईन हो जाते हैं और इस बारे में सोचते नहीं, तो आज मैं आपको सोचने की दावत देता हूं और आपसे सवाल करता हूं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का मतलब क्या, कमेंट में आप मुझे अपनी राय का इजहार करें कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का मतलब क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।